रिपोर्ट्स में कहा गया था कि WWE ने अभी तक मेंस और विमेंस मनी इन द बैंक विनर को डिसाइड नहीं किया है। कंपनी अभी भी मैच कौन जीतेगा इस पर डिस्कशन कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रिंगसाइड न्यूज़ ने कंफर्म किया कि कंपनी ने मेंस और विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के विनर को 3 हफ्ते पहले ही डिसाइड किया है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मनी इन द बैंक के मेन इवेंट मैच को लेकर एक अपडेट सामने आया है। रेसलिंग ब्लॉग के अकॉर्डिंग रोमन रेंस और सोलो सिकोवा वर्सेस द उसोस का मैच मनी इन द बैंक के मेन इवेंट में होगा और शो के शुरुआत में मनी इन द बैंक लैडर मैच होगा। विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच होने की संभावना है, हालांकि अभी तक डिसीजन लॉक नहीं हुआ है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। डेव मेल्जर ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि स्मैकडाउन के लास्ट एपिसोड में जो हुआ उसके बाद स्पेकुलेट किया गया कि कंपनी में टॉप डोला पर हीट है। हालांकि रिंगसाइड न्यूज़ ने कंफर्म किया कि टॉप डोला पर कोई हीट नहीं है। फिलहाल क्रिएटिव टीम के पास हीट रो के लिए कुछ भी प्लान नहीं है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मेंस और विमेंस मनी इन द बैंक के कैश इन को लेकर एक अपडेट सामने आया है। रेसलिंग ब्लॉग के अकॉर्डिंग इस साल का मेंस मनी इन द बैंक विनर सक्सेसफुली कैश इन करेगा। विमेंस मनी इन द बैंक विनर के लिए क्या करंट प्लान है ये पता नहीं है। तो हम चलते अपने फाइनल टॉपिक की ओर। रोमन रेंस न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ एंट्री करते हुए दिखते हैं। वहीं पॉल हेमन के पास यूनिवर्सल और WWE चैंपियनशिप दिखती है। अब रोमन रेंस कब केवल एक ही वर्ल्ड टाइटल के साथ दिखेंगे इसका खुलासा हुआ है। केज साइड सीट्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जल्द ही WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप दिखना बंद हो जाएगी और रोमन रेंस केवल एक ही वर्ल्ड टाइटल के साथ दिखेंगे। तो इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आते के बढ़ते आपसे देखने के लिए धन्यवाद।